एक देवता देवता और दानव दोनों को निमंत्रण किया, थोड़ा सा याद है जो रिलेवेंट चीज है, तो निमंत्रण किया तो क्या बोला उसको, ठीक है खाना तो लग गया, आप क्या करोगे बिना हाथ मोरे हुए, सुना है क्या? सुना है, बिना हाथ मोरे हुए खाना है तुम, बस वही तो सुने है ना, जो सुना है मत बोले, कैसे खाओगे बोल सर, बड़े आराम से हम आपको खिलाते रहेंगे, आपको खिलाते, ये जानता है सब तो देवता में विचार होता है दूसरों के बारे में सोचने की, तो जैसे मान लो इसको हाथ नहीं मोड़ना है ना, तो ये क्या करेगा, इसको खिला देगा, गर्दन मोड़ने की बात तो नहीं, ये उसको खिला देगा और सब लोग खा लिए देवता, और दानव क्या किया, बहुत कोशिश किया है उल्टा पुलटा, प्रेम भी बढ़ेगा, जहाँ स्वार्थ है वहाँ परमार्थ की बात कहाँ से, उसके लिए तो सोच मजबूत होने चाहिए ना बच्चा, अगर आपकी सोच उतने मजबूत नहीं है तो दूसरे के, लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं कि हम भिखारी हो जाए, दूसरों के देखने पर हम ही बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं, हमको अपने लिए भी सोचना है, सबसे ज्यादा प्रेम आप खुद से करें, अपने जिंदगी में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन दूसरों का लेके आपको अपने सुविधा करने के जहाँ वहाँ से गुजारा कर लेते हैं, संतोष और दिमाग लगाइए, कुछ सेवा करेंगे तो सेवा मिलेगी, आज आप लोग EMT बने हैं, अच्छा सेवा करोगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो ज़्यादा लोग डाल समझ करोगे तो फिर करप्शन शुरू हो जाए, हमारे EMT के बारे में सर न्यूज आता है कि वो लोग मेडिसिन से बेच लेते, बताइए साहब कितने शरणार्थ बता रहे, जहाँ जिसको मिलता है वो भ्रष्ट हो जाता है, क्यों भ्रष्ट है, सुरक्षा की जीना सीखो, ईमानदारी से जीना सीखो, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान की, जहाँ ईमानदार होता है वो सबसे बड़ी ताकत होती है, नहीं सही बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा तुम लोग तो जानते होंगे कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हुए, कितनी परेशानी में चले भी कभी घुटने नहीं टेका, महाराणा प्रताप का नाम सुना है, घास की रोटी खाते रहे लेकिन कभी भी वो किसी का गुलामी कबूल नहीं की, और उसका भाई मानसिंह था अपनी बहन तक शादी कर दिया किसी से, योद्धा भाई, और उसका बेटा हुआ जहांगीर, वो बादशाह में तो अपना अपना वसूल होता है जिंदगी, क्या सर अपना अपना प्रिंसिपल होता है, कोई आराम से जीना चाहता है, कोई प्रिंसिपल से जीता है कि हमको कुछ मिले नहीं मिले, मेरा मान सम्मान सर्वोच्चा होने, तो तरह तरह के लोग हैं भाई, क्या करो, ज्यादा तो ऐसे ही लोग होते हैं कि फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने सुविधा में जो होता है वो काम कर लिया, प्यारे दोस्तों एक बंदे जाएगा तो सवाल होते, सवाल है।